Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa. निवाप सूत्र निवाप मतलब इधर नील रंग का घास का बगीचा का उदाहरण बना के बताया गया सूत्र। नील रंग घास मतलब एकदम हरा भरा, एकदम हरा भरा। उसे भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन नाश्र में थे, तब भगवान बुद्ध भिक्षु लोगों को बताया, पुण्यान भिक्षु कभी भी शिकार लोग हिरण को पकड़ने के लिए हिरण को खाने वाले हिरण का खाने का चीज रोक देता है। जैसे में हिरण घास खाना बहुत पसंद है, हिरण को सबसे पसंद घास, शिकारी लोग रोकते हैं। इसलिए रोकता है क्या कि अरे ये हिरण लोग मेरा सुंदर ये घास खाने के लिए आओ, आकर के अच्छा से खा जाओ, खा के हट्टा कट्टा हो जाओ, बहुत समय तक सुखी से रहो। ऐसा उसी विचार से शिकार घास रोकता है? नहीं, भगवान बुद्ध ने बताया शिकार इस कारण से घास रोपता है हिरण के लिए। कैसे? अब मेरा इस बगीचा में हिरण लोग आएंगे, आने के बाद मेरा घास देखते ही उन लोग सब भूल जाएगा, खाते खाते जाएगा, अच्छे से नशा चढ़ जाएगा। कहां पूरा पेट भरने के बाद ऐसे होता है ना, अच्छे से आसक्त हो जाएगा, वापस जाना भूल जाएगा। तब उन लोग वापस जाने में देर होते ही मैं उस हिरण लोगों को कुछ भी कर सकता हूं। उसी मन से शिकार घास रोपता है हिरण के लिए। पुण्यान भिक्षु वैसा उस हिरण लोगों में से पहला ग्रुप आ गया। सबसे पहले एक ग्रुप आ गया, आकर के उस घास का बगीचा देख लिया, अंदर गया, शिकार जो रोपे हैं उस घास को खाते खाते गया, घास खाते समय पूरा आसक्त हो गया। उन लोग घास खाते खाते गया, इसलिए देर हो गया, उन लोग को भूल गया वापस जाना है। उन लोग वापस जाना देर होने के कारण उस बगीचा में प्लान लगाया हुआ रहने वाले, प्लान लगा के रहने वाले ही शिकार को कुछ भी कर सका, उस पहला ग्रुप को। उस शिकार का ताकत से कोई भी हिरण नहीं बच पाया। पुण्यान भिक्षु इसके बाद दूसरी हिरण का ग्रुप इस प्रकार बातचीत किया, हमारा पहला लोग हिरण शिकार का बगीचा में गया, घास खाते खाते
गया। इसके बाद उन लोग उसी घास पे आसक्त हो गया, पूरा वापस जाने का होश खत्म हो गया, देर हो गया। इसीलिए शिकार को हिरण के लिए कुछ भी कर सका। हिरण, एक भी हिरण को उस शिकार का ताकत से नहीं बच पाया। इसीलिए हम लोग भी उस बगीचा की ओर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। डरते डरते खाने वाले घास का जरूरत क्या है हमें? हम लोग जंगल के अंदर चले, वहां जाके रहेंगे। इसके बाद दूसरी ग्रुप उसी घास खाने के लिए बगीचा में नहीं गया, घास नहीं खाया, जंगल के अंदर जाके रहने लगा। तब आ गया गर्मी का मौसम, जंगल का पानी सूख गया, घास मर गया, हिरण का ग्रुप पतला दुबला हो गया, कमजोर हो गया, बल ताकतहीन हो गया। फिर से धीरे 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 शिकार का घास का बगीचा की ओर हिरण का ग्रुप आने लगा। घास का बगीचा में घुस के घास खाते खाते गया, घास का स्वाद में मन आसक्त हो गया, वापस भागना भूल गया, देर हो गया। देर होने के कारण शिकार को हिरण के लिए कुछ भी कर सका। बताते हैं पुण्यवान भिक्षु, उसी प्रकार एक भी हिरण नहीं बच पाया, दूसरी ग्रुप भी शिकार का ताकत से नहीं बच पाया। इसके बाद तीसरा ग्रुप इस प्रकार सोच रहा था, पहला हिरण का ग्रुप शिकार का बगीचा में जाके घास खाते खाते गया, मनासक्त हो गया, वापस जाना भूल गया, देर हो गया। देर होने के कारण शिकार कुछ भी कर सका, पकड़ लिया, शिकार का ताकत से कोई नहीं बच पाया। इसके बाद दूसरी हिरण का ग्रुप सोचने लगा, पहला ग्रुप को ऐसे हो गया, लेकिन हम लोग को उधर जाना जरूरत नहीं, हम लोग जंगल के अंदर जाएंगे, अंदर रहेंगे। लेकिन गर्मी मौसम आ गया, पानी सूख गया, घास सूख गया, उन लोग दुबला पतला हो गया, कमजोर हो गया। तब उन लोग धीरे धीरे शिकार का बगीचा की ओर आ गया, घास खाते ही घास का स्वाद लग गया, बहुत टेस्ट, सब कुछ भूल गया, होश उड़ गया, खाते खाते गया। अंत में उन लोग देर हो गया, देर होने के कारण दूसरे ग्रुप को ग्रुप भी नहीं बच पाया। इतना शिकार का ताकत है, था शिकार का ताकत से कोई भी नहीं बच पाया, सब खत्म हो गया। तो हम लोग और कुछ करेंगे? हम लोग शिकार का बगीचा के नजदीक में ही अपना रहने का जगह बना लेंगे। हम लोग शिकार का बगीचा में जा करके बिना जाके
शिकार का बगीचा बिना जाके, होश बिना खो बैठ के, बिना होश उड़ा के, उसी प्रकार हम लोग आराम से धीरे धीरे घास खाएंगे, तब हम लोग का मन आसक्त नहीं होगा, भागना भी भूल नहीं होगा। अप्रमाद होने के कारण हिरण के पास ताकत नहीं रहेगा कि हम लोग पकड़ सके, हम लोग को पकड़ सके। इसके बाद ऐसे बातचीत करके उन लोग शिकार के बगीचा के बगल में ही कहीं एक जगह अपना रहने का जगह बना लिया, उसी जगह में ही रहने लगा। शिकार का बगीचा में बिना घुस के अपना मन ध्यान में रख के, होश रह के, वो ग्रुप घास खाते रहा। उसी प्रकार घास खाने के कारण उन लोग पे नशा नहीं चढ़ा, नशा नहीं चढ़ने के कारण देर नहीं हुआ, प्रमाद नहीं हुआ। प्रमाद नहीं होने के कारण हिरण जो चाहता है वो कर पाया, नहीं कर पाया पुण्यान भिक्षु। तब शिकार को और शिकार के ग्रुप को उन लोग का मन में से आ गया, ये तीसरी ग्रुप बहुत बदमाश है, बहुत कपटी है, चालाक है, शायद ये तीसरी ग्रुप को रिद्धि बल होगा क्या? ये तीसरी ग्रुप तो एकदम दानव जैसा है, हम लोग उन लोग हमारे बगीचा से घास भी काटते हैं, कहां से आता है कहां से जाता है पता भी नहीं चलता है, आने जाने का रास्ता पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसी प्रकार करेंगे, हम लोग अपना घास का बगीचा को घेर के दूर से घेर लेंगे। अब तो किनारे से घेर लिया, अभी हम लोग दूर से घेर लेंगे, तब हम लोग को उस हिरण लोग रहने का जगह पकड़ सकता है। इसके बाद उन लोगों को पकड़ के अपना मर्जी कुछ भी कर सकता है। शिकार लोग मिलके बगीचा का दूर से पूरा घेर के एक घेरा बना लिया। शिकार एवं शिकार के ग्रुप के लोग वो हिरण लोग रहने का जगह पकड़ा गया। पुण्यान भिक्षु ठीक उसी तरह तीसरी हिरण का ग्रुप भी, हिरण का बल ताकत से नहीं बच पाया, फंस गया। तब पुण्यान भिक्षु चौथा हिरण का ग्रुप इस प्रकार सोचने लगा, ये हिरण ये शिकार का बगीचा में पहला ग्रुप आ गया, आके उन लोग होश उड़ गया आसक्त होने के कारण, देर हो गया, सब भूल गया, फंस गया। दूसरी ग्रुप सोचा, पहला ग्रुप ऐसे किया तो हम लोग नहीं खाएंगे, जंगल में गया लेकिन पानी सूख गया, इसके बाद पतला दुबला हो गया, फिर उन लोग धीरे धीरे बगीचा में आया, काते काते गया, फंस गया। फिर तीसरा ग्रुप सोचने लगा, पहला ग्रुप को ऐसे हो गया, दूसरी ग्रुप को ऐसा हो गया, तो हम लोग बगल में ही घर बना के रहेंगे। कुछ समय तक रहा लेकिन शिकार तो चला के बहुत,
शिकार का चालाक किसी बच नहीं पाया, उन लोग ही पकड़ा गया। शिकारी का चालाक किसी नहीं बच पाया, तो हम लोग ऐसा करेंगे, शिकारी को और शिकारी का ग्रुप के लोगों को ऐसा जगह है नहीं जा सकता है, वैसा जगह पे हम लोग रहेंगे। कैसा जगह पे? शिकारी नहीं जा सकता, वहां शिकारी और शिकारी का ग्रुप के लोग नहीं जा सकता है। वैसा जगह पे रह के हम लोग शिकारी का बगीचा में बिना घुस के और बिना होश खो बैठ के घास खाएंगे, तब हम लोग का नशा भी नहीं छाड़ेगा। हम लोग का मन नशीले नहीं होने से देर नहीं होगा, अप्रमाद होने से हिरण का बल ताकत खत्म हो जाएगा। ऐसे सोच के चौथा हिरण का ग्रुप शिकारी को तथा शिकारी के ग्रुप के लोगों को जहां नहीं जा सकता है वैसा जगह पे अपना रहने का व्यवस्था बना लिया। ऐसे जगह पे रह के शिकार का बगीचा में बिना घुस के बिना होश खो बैठ के होश में रहते हुए ध्यान में रहते हुए घास खाने लगा। ऐसे होने से उन लोग को नशा नहीं चढ़ गया, नशा नहीं चढ़ने से देर नहीं हुआ, देर नहीं होने के कारण शिकारी को कुछ भी नहीं कर पाया। तब शिकारी तथा शिकारी ग्रुप के लोग ऐसे सोचने लगा, ये चौथा हिरण का ग्रुप तो बहुत बड़ा चालाक है, कपटी है, जरूर ही चौथी हिरण का ग्रुप के पास रिद्धि बल होगा, इन लोग तानो जैसा है, हम लोगों का घास भी खाता है, खा के भाग जाता है, कहां से आता है कहां जाता है पता भी नहीं चलता है, कहां आना जाने का रास्ता भी पता नहीं है। हम लोग इस बागीचा को घेर के दूर से हम लोग घेर लेंगे, तब उन लोग को पकड़ सकता है। ऐसे करके दूर से बहुत बड़ा एरिया में घेर लिया, लेकिन शिकारी को तथा शिकारी का ग्रुप के लोगों को हिरन लोग रहने का जगह नहीं पकड़ पाया। क्यों? ऐसा जगह रहता है जहां शिकारी और शिकारी के ग्रुप के लोग नहीं जा सकता है। तब भगवान बुद्ध ने बताया, पुण्यान भिक्षु, शिकारी तथा शिकारी के ग्रुप के लोग ऐसे सोचा, ये चौथा हिरन के ग्रुप के पीछे पीछे हम लोग भाग जाएंगे तो उसके चलते चलते आने वाले दूसरा ग्रुप भी हम लोग से छूट जाएगा, इसलिए ऐसे हम लोग एक के पीछे पीछे जाएगा तो दूसरा हिरण लोग भी उन लोग के पीछे पीछे जाने लगेगा। उन लोग के पीछे पीछे आने वाले दूसरा ग्रुप और उन लोग के पीछे पीछे जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा है बाकी हिरण को पकड़ने के लिए इसी ग्रुप को हम लोग छोड़ देंगे, वैसा खाने दो। क्यों? हम लोग थक जाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, उन लोग के ऊपर हम लोग मध्यस्थ हो जाएंगे, मध्यस्थ मतलब नॉर्मल हो जाएंगे।
शिकारी को तथा शिकारी ग्रुप के लोग चौथा ग्रुप के ऊपर मध्यस्थ हो गया। पुण्यान भिक्षु उसी तरह चौथी हिरण का संग शिकारी का बल पराक्रम से मुक्त हो गया। पुण्यान भिक्षु मैं कुछ अर्थ दिखाने के लिए ये उदाहरण दिखाया। ये है अर्थ पुण्यान भिक्षु। नील रंग का या एकदम हरी भरी घास का बगीचा को कहा जाता है पंचकाम गुण को ही कहा जाता है। सुंदर सुंदर रूप, मधुर आवाज, सुगंध, ठे स्वाद, स्पर्श और ये पांच। पुण्यवान भिक्षु शिकारी कौन है? पापी मार को ही शिकारी कहा जाता है। पुण्यवान भिक्षु शिकारी के संग लोग कौन है? मार परिवार, पापी मार का सेना। पुण्यवान भिक्षु हिरण का ग्रुप कौन है? श्रमण ब्राह्मण लोग, शांत लोग, कोई भी। पुण्यवान भिक्षु पहले श्रमण ब्राह्मण लोग पापी मार का हरी भरी घास का बगीचा यानी कि पंचकाम घुन में घुस जाता है, होश उड़ जाता है पंचकाम इस्तेमाल करते करते। पंचकाम गुण नाम का घास खाते जाता है, पंचकाम गुण में गुण अनुभव करते करते श्रमण ब्राह्मण लोग उससे नशा हो जाता है, फिर उसे पंचकाम गुण से भागना भूल जाता है, देर हो जाता है। देर होने के कारण पंचकाम में फंसे हुए श्रमण ब्राह्मण को पापी मार कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार पापी मार का बल से वैसा श्रमण ब्राह्मण लोग नहीं बच सकता है। वो पहला है, समझ में आ गया? पंचकाम इसका तो पंचकाम इस्तेमाल करना है ना, लेकिन सावधानी से होश में रहते हुए। होश में रहते हुए क्या है? प्रत्येक्षा पट संख्या इन सूची और पट सेवा पट संख्या इन सो पिंड पातम पट सेवा पट संख्या इन सो इलान पच बेसज परिकार पट सेवा पट संख्या इन सो सेनासन पट सेवा। पुण्यान भिक्षु दूसरे श्रमण ब्राह्मण लोग ऐसे सोचा, पहला श्रमण ब्राह्मण लोग तो पापी मार का पंच काम का हरी भरी बगीचा में फंस गया, पंच काम का भोजन अनुभव करते करते गया, उसी में उन लोग आसक्त हो गया, नशा चढ़ गया, देर हो गया। पंच काम गुण में फंसे हुए श्रमण ब्राह्मण लोगों को पापी मार कुछ भी कर सकता था। अंत में पहला ग्रुप पापी मार का बल से नहीं बच पाया। तो हम लोग कैसा करेंगे? हम लोग पंचकाम को छोड़ देंगे। किस लिए हम लोग ये डरते डरते पंचकाम भोगेंगे? हम लोग जंगल के अंदर चलेंगे, अंदर जाके रहेंगे। तो वो दूसरे श्रमण ब्राह्मण लोग पंचकाम नामक पापी मार का बगीचा से संपूर्ण रूप से अलग हो गया। खतरनाक पंचकाम गुण से मुख बच के जंगल के अंदर रहने लगा। जंगल के अंदर पत्ता सिर्फ भोजन किया, खच्चा चावल खाया, घास खाया, पेड़ का छिलका खाया, गोबर खाया,
लती का आलू खाया, जड़ खाया, पेड़ों से गिरने वाले फल खाया, लेकिन गर्मी मौसम आते समय बारिश सूख गया, जंगल के अंदर सूख गया, घास मर गया, तब श्रमण ब्राह्मण लोग पतला हो गया, दुबला हो गया, बलहीन हो गया, वीरहीन हो गया, इसीलिए ध्यान भी नहीं कर पाया। ध्यान नहीं होने के कारण फिर से धीरे धीरे पाप मार का पंच काम गुण की ओर आने लगा। उन लोग पापी मार का पंच काम का हरी भरी बगीचा में घुस गया। पंच काम मिलते ही होश उड़ गया, पंच काम को भोगते भोगते गया, नशा चढ़ गया, देर हो गया। देर होने के कारण पापी मार उन लोगों को कुछ भी कर सका, पापी मार का बल पराक्रम से नहीं बच पाया। दूसरी ग्रुप उसी प्रकार फंस गया। तब तीसरी श्रमण ब्राह्मण ग्रुप संघ के लोगों को ऐसे मन में आ गया, पहला ग्रुप ऐसा पंच काम में फंस गया, दूसरी ग्रुप जंगल के अंदर रहा लेकिन बचा, उन लोग को गर्मी मौसम में खाने का कुछ नहीं मिला, तब ध्यान नहीं कर पाया। ध्यान नहीं होने के कारण होश धीरे धीरे खो बैठने लगा, इसलिए उन लोग धीरे धीरे पंच काम की ओर आने लगा। पंच काम इस्तेमाल करते ही सब भूल गया, नशा चढ़ गया, फंस गया, प्रमाद हो गया। इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग पंच काम गुण के लिए हाथ के दूर से एक जगह तैयार करेंगे, दूर दूर में रहते हुए पंच काम में बिना घुस के, बिना होश खो बैठ के पंच काम अनुभव करेंगे। तब हम लोग नशा नहीं होगा, देर नहीं होगा, अप्रमादी होगा, पापी मार को हम लोग कुछ नहीं कर पाया। ऐसे सोच के पंच काम के कुछ दूरी में एक रहने का जगह बनाया, पंच काम में बिना घुस के, बिना होश खो बैठ के पंच काम अनुभव करने लगा। तब उन लोग नशा नहीं चढ़ा, नहीं नशा चढ़ने से प्रमाद नहीं हुआ, तब पापी मार को कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन उन लोग इसी प्रकार दृष्टि में फंस गया। कैसा दृष्टि है, ये लोग सदाकालिक है या ये लोग सदाकालिक नहीं है, ये लोक का अंत है या फिर लोक का अंत नहीं है, ये जीव और शरीर दोनों एक ही है या जीव और एक है, शरीर और एक है, तथागत लोग मरने के बाद रहता है, अरहंत लोग मरने के बाद नहीं रहता है, तथागत मतलब अरहंत लोग का, अरहंत लोग मरने के बाद रहता है या नहीं रहता है, दोनों साथ में, तथागत लोग मरने के बाद रहता नहीं है या रहता है, इसी प्रकार अलग अलग मत में बंधन हो गया, अलग अलग प्रकार की दृष्टि में बंधन हो गया। बंधन होने के कारण पापी मार का बल पराक्रम से नहीं बच पाया। उन लोग तीसरी हिरण का ग्रुप के लोग जैसा है, श्रमण ब्राह्मण लोग फंस गया। समझ में आ गया वाला, यानी तीसरी ग्रुप पंच काम के बगी, यानी थोड़ा दूर है, नजदीक में अपना कुटिया बना के रहता है, भिक्षाटन के लिए जाता है, आराम से रहता है,
फंसता नहीं पंचकाम गुण में, लेकिन अलग अलग दृष्टि में फंस गए सभी लोग, अलग अलग दृष्टि में, अलग अलग विश्वास में, अलग अलग दृष्टि में, ये लोग सदा कालिक है कि नहीं, अपना मन अलग अलग दृष्टि में फंस गया। दृष्टि में फंसने के कारण पाप बीमार उन लोग का मन अच्छा से पकड़ लिया। दृष्टि क्या है? ये लोग सदा कालिक है, ये दुनिया या तो फिर सदा कालिक नहीं है, या तो फिर ये लोग का अंत है या अंत नहीं है, ये प्राण एवं शरीर एक है या दो है, अरहंत लोग मरने के बाद है, अरहंत लोग मरने के बाद नहीं है, अरहंत लोग मरने के बाद है या नहीं है, अरहंत लोग मरने के बाद है भी नहीं या नहीं भी नहीं, या है भी है या नहीं भी है, इसी प्रकार अभी पूछता है ना, अरहंत प्राप्त करने के मरने के बाद है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, वो ऐसा दृष्टि है, ऐसा अलग अलग प्रकार की दृष्टि में बंधन हो गया तो बचना मुश्किल। तो चौथी श्रमण ब्राह्मण लोगों को ऐसा मन में आ गया, पहले लोग पंच काम में फंस गया। पहले लोग पांच काम में फंस गया, दूसरे लोग क्या किया? छोड़ दिया पांच काम, हमेशा के लिए छोड़ दिया, जंगल में चला गया। लेकिन फिर उन लोग पतला दुबला हो गया, ध्यान नहीं कर पाया, ध्यान नहीं करने के कारण मन खो बैठ गया, तो फिर वापस आ गया, फंस गया। तीसरे ग्रुप बगल में जंगल में भी नहीं गया, लेकिन पंचकाम की शहर में भी नहीं आया, साइज में अपना कुटिया बना के रहा, लेकिन दृष्टि में फंस गया। इसलिए हम लोग ऐसे करेंगे, जहां पापी मार नहीं जा सकता है, मार सेना नहीं जा सकता है, वैसा जगह हम लोग रहेंगे, रह के पापी मार का नील रंग का हरी भरी बगीचा जैसा पंचकाम गुण को बिना फंस के, बिना होश खो बैठ के पंचकाम अनुभव करेंगे, तब हम लोग को नशा भी नहीं चढ़ेगा, देर भी नहीं होगा, अप्रमाद नहीं होने के कारण पाप मार का बाल भी खत्म हो जाएगा हम लोग पे। तो चौथी श्रमण ब्राह्मण लोग जहाँ पापी मार नहीं जा सकता है, वैसा जगह पे अपना रहने का जगह बना के पंच काम में बिना फंस के, पंच काम में बिना घुस के पंच काम अनुभव करने लगा। इसीलिए उन लोग का पंच काम का नशा नहीं चढ़ा, इसलिए अप्रमादी हो गया, अप्रमादी होने के कारण पाप मार कुछ भी नहीं कर पाया। पुण्यवान भिक्षु चौथी श्रमण ब्राह्मण लोग पापी मार का बल से मुक्त हो गया। वो श्रमण ब्राह्मण लोग चौथी हिरण का ग्रुप जैसा है, पुण्यवान भिक्षु मार एवं मार का सेना को नहीं जा सकता, ऐसा जगह है, वो जगह क्या है पता है? यहाँ भिक्षु काम को त्याग करेगा, अकुशल से हटके वितार्थ सहित, विचार सहित, मानसिक विवेक से उत्पन्न हुए प्रीति सुख के साथ पहला ध्यान लेके रहता है। पुण्यवान भिक्षु, जो कोई भिक्षु पहले ध्यान में ध्यान पाके रहता है, वो पापी मार को अंधा बना दिया। जो कोई भिक्षु पहला ध्यान लेके रहता है, वह पापी मार का नजर नहीं लग जाता है, पापी मार नहीं देख पाते हैं,
पूर्ण भिक्षु के बारे में और बता देंगे तो भिक्षु वितर्क विचार शांत करके अपने मन में बहुत बलवान प्रसन्नता उत्पन्न करके, समझ में आता है ना, बहुत प्रसन्नता बलवान करके मन का एकाग्रता को बढ़ा के वितर्क विचार बिना वितर्क विचार के समाधि उत्पन्न करके प्रीति सुख के साथ दूसरी ध्यान लेके रहता है। दूसरे ध्यान का स्वभाव क्या है? वितर्क विचार शांत करता है, अपना अंदर मन में बहुत बड़ा प्रसन्नता उत्पन्न करता है। इसके बाद मन का एकाग्रता और क्या करता है? और बढ़ाता है, बढ़ा के उसे वितर्क विचार नहीं है, समाधि से उत्पन्न हुआ लेकिन प्रीति एवं सुख है, वो दूसरे ध्यान लेके रहता है। दूसरे ध्यान समझ में आ गया आप लोग को? यही है दूसरे ध्यान, नहीं फिर भूल जाएगा। पुण्य भिक्षु, वो भिक्षु मार को अंधक बना दिया, जहाँ माँ का मार का नजर नहीं लग जाता उसे वैसा जगह पे वो चला गया। दूसरे ध्यान पुण्य भिक्षु के बारे में और बता देंगे तो भिक्षु प्रीति में भी बिना आसक्त होके उपेक्षा में रहता है, प्रीति पे वो आसक्त नहीं होता है, होश में रहते हुए शरीर से सुख भोगता है, लेकिन सुख भोगता है शरीर का, लेकिन वो कैसे? होश में रहते हुए। आर्य लोग उस ध्यान को कहते हैं उपेक्षा में रह के होश में सुख भोगना। उपेक्षा से होश में रहते हुए सुख भोगना आर्य लोग कहता है। प्रीति छोड़ दिया है ना, प्रीति पे कोई ध्यान नहीं, लेकिन उपेक्षा में रहता है, यानी कि प्रीति पे आसक्त नहीं होता है, होश में रहते हुए सुख को भोगता है, वो तीसरी ध्यान ले करके रहता है। वो भिक्षु मार को अंधा कर दिया, जहां मार का और सेना का नजर नहीं लग जाता है वैसा जगह चला गया। और इसके बारे में बता देंगे तो भिक्षु सुख को भी हटा के मानसिक सुख दुख दोनों त्याग के बिना दुख के पारिशुद्ध उपेक्षा में रहकर, होश में भी है पारिशुद्ध उपेक्षा भी है, वैसा रह के चौथी ध्यान में वो रहता है। चौथी ध्यान का स्वभाव क्या है? सुख को भी हटाता है, दुख को भी हटाता है, पहले से ही मानसिक सुख दुख दोनों त्याग के बिना सुख के बिना दुख के पारिशुद्ध उपेक्षा। तीसरे ध्यान में उपेक्षा है ना, लेकिन उसमें सुख भोगता है होश में रहते हुए, इसमें पारिशुद्ध उपेक्षा में रहते हुए चौथी ध्यान लेके रहता है। वह पापी मार को अंधा बनाता है, खोज नहीं पाएगा, नजर नहीं लगता है। इसके बारे में और बता देंगे तो भिक्षु सभी प्रकार का रूप के बारे में हर एक संज्ञा से मुक्त हो गया, मन का जो कुछ संज्ञा है सारे संज्ञा से मुक्त हो गया, कई प्रकार की संज्ञा बिना मनन करके आकाश अनंत है ऐसे सोच के आकाश अनंत चैतन्य समाधि लेके रहता है, वो भी पाप मार का आंख अंधा कर दिया। और इसके बारे में बता देंगे तो सभी प्रकार का आकाश अनंत चैतन्य समाधि को भी पार करके विज्ञान अनंत है ऐसे विज्ञान अनंत चैतन्य समाधि लेकर के रहता है, वो भी
आंख अंधा कर दिया सेना को माता। और इसके बारे में बता देंगे तो विज्ञान चायत्र समाधि भी पार करके कुछ भी नहीं है, वही आकिन छन्या इतने समाधि को पाके रहता है। पुण्यन भिक्षु वो भी मार का अंधा कर दिया। और इसके बारे में बता देंगे तो सभी प्रकार का आकिन छन्या इतने समाधि भी पार करके संज्ञा है भी नहीं, नहीं भी नहीं, वैसा नेव संज्ञा ना संज्ञा इतने समाधि लेके रहता है, वो भिक्षु मार का आंख अंधा कर दिया, नजर हटा दिया। और बता देंगे तो नेव संज्ञा सभी प्रकार का नेव संज्ञा ना संज्ञा इतने समाधि भी पार करके संज्ञा वेदना निरोध हो गया है, उसको संज्ञा वेद निरोध समापत्ति लेकर के रहता है। वो प्रज्ञा से देखने कारण उनका सारे आश्रय खत्म हो गया, मतलब अरहत तो है ये इसी जगह। वो भिक्षु पापी मार का अंधा हमेशा के लिए अंधा कर दिया, नजर हटा दिया। भगवान बुद्ध शिव वो दुनिया का विसत्तिका कहता है, विसत्तिका नाम का तृष्णा को पार करके चला गया है। भगवान बुद्ध जी सुंदर उपदेश बताया, सारे बंते रूप इस उपदेश के बारे में बहुत प्रसन्न होकर स्वीकार किया। अब ये उपदेश समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप लोगों को भी कम से कम पिछला ध्यान में कम से कम आने का भाग्य।